तीन अध्यादेशों बिल के खिलाफ आज हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने अंबाला छावनी प्रदर्शन किया व एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। एसडीएम कार्यालय में न होने के कारण फ्रंट ने तहसीलदार को अपना ज्ञापन सौंपा। किसानों के हक में सरकार द्वारा लगाए गए अध्यादेश का विरोध सभी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने भी इसके विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से सौंपा। फ्रंट की मांग है कि सरकार अपने इस काले कानून को वापस ले। राष्ट्रपति जी इस बारे में सोचकर कानून को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री सरवारा ने कहा कि हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट किसानों के अध्यादेश के खिलाफ किसानों के साथ खड़ा है। हमारी सभी टीमें एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप, जिसमें हमने कुछ संशोधन मांगे हैं। ध्वनि मत से पास किए गए इस अध्यादेश के बारे में दोबारा से सोचा जाए। देश विरोधी इस तरह का बिल कोई पास न किया जाए। हमें उम्मीद है कि राष्ट्रपति हमारी इस आवाज को सुनेंगे, किसानों के दुख को समझेंगे, उनके साथ घोर अनर्थ नहीं होने देंगे। देखिए, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट जब से किसान इस लड़ाई में उतरे हैं, उनके साथ उनके पीछे खड़ा रहा है। दो दिन पहले हमने अपनी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में एक राजनीतिक जागरूकता की तरफ, लोगों को ले जाने के लिए, बदलाव की तरफ ले जाने के लिए अपनी रणनीति पे कुछ चर्चा करी थी प्रेस वार्ता के माध्यम से। हमारा जो पहला कदम उसमें वो ये है कि हमारी सभी टीमें अपने डिविजन एसडीएम के माध्यम से जो है राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगी, जिसमें हमने कुछ सुझाव, कुछ संशोधन मांगे हैं इसके अंदर, और कुछ उनसे गुजारिश करी है कि दोबारा से इस तरह से इस अंधेर के अंदर ध्वनि मत के चलते हुए इस तरह से ये किसान विरोधी, देश विरोधी कोई भी इस तरह का जो है बिल पास ना करा जाए, पारित ना करा जाए। हम आशा करते हैं आदरणीय राष्ट्रपति जी हमारी ही नहीं, उसे इसमें देश की आवाज़ को सुनेंगे। 60% देश की जनता जो खेती से जुड़ी हुई है, उसकी आवाज़ और उसकी जो उसके दुख को समझेंगे, और इस पर ये कहते हैं ना अन्याय, ये घोर अनर्थ नहीं होने देंगे। ये महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन था और वो भिजवा दिया गया। जो भी उनकी डिमांडें थी वो महामहिम राष्ट्रपति जी से है और वो आगे उनके कार्यालय के लिए फॉरवर्ड कर दिया।